आप देख रहे हैं टुडे 24 न्यूज और मैं हूँ आपके साथ साक्षी निर्वाण। शहर के अलग अलग गत वर्ष पुलवामा हमले में शहीद हुए अजीत कुमार व नक्सली हमले में शहीद हुए शशिकांत तिवारी सहित शहीद सुशील कुमार गौतम के घर जाकर हिंदू जागरण मंच के प्रांतीय मंत्री व प्रभारी विमल द्विवेदी ने मंच के साथियों के साथ उनका हालचाल जाना व होली की शुभकामनाएं दी। साथ ही बच्चों व परिजनों को उपहार भेंट कर शहीदों की तस्वीर में गुलाल लगाकर उनके बलिदान के प्रति कृतज्ञता पूर्वक उन्हें याद किया। इस अवसर पर विमल द्विवेदी ने कहा, जो सैनिक अपना सर्वोच्च बलिदान देश के लिए देते हैं, एक समाज के रूप में हम सब उनके ऋणी हैं। उनके बलिदान को हम हृदय से नमन करते हैं। वह जिला प्रशासन सहित जनप्रतिनिधियों से शहीद शशिकांत तिवारी का स्मारक बनाने में भूमिहीन परिजनों को भूमि आवंटन सहित अन्य मांगों को जल्द पूरा करने का आग्रह किया। वे सरकार से जनपद के अन्य शहीदों की स्मृति में पार्कों व स्मारकों के निर्माण की मांग की। वे शहर दिव्यांगों व जरूरतमंदों को गुलाल लगाकर व उपहार भेंट कर होली की शुभकामनाएं दी। इस अवसर पर हिंदू जागरण मंच के जिला अध्यक्ष अजय त्रिवेदी, नगर अध्यक्ष विकास सिंह सेंगर, युवा प्रभारी मनीष अवस्थी, उपाध्यक्ष शिव सेवक त्रिपाठी, वीरांगना वाहनी अध्यक्ष उमा शुक्ला आदि उपस्थित रहे। महापर्व होली पर जनपद वासियों सहित प्रदेशवासियों को होली की हार्दिक शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं। आज हिंदू जागरण मंच द्वारा होली की जो शुरुआत की गई है वो शहीद के परिजनों से की गई है। उनके घर जाकर जैसे गत वर्षों पुलवामा हमले में शहीद अजीत कुमार व नक्सली हमलों में शहीद शशिकांत व सुशील गौतम जी सहित अन्य शहीदों के घर जाकर उनसे मिलकर उनका हालचाल जाना गया व उनको उपहार व बच्चों को उपहार देकर उनको होली की शुभकामनाएँ दी गई और अन्य जनपद में जो जरूरतमंद व दिव्यांगजनों को होली के उपहार देकर उनको गुलाल लगाकर उनको होली की शुभकामनाएं दी गई। हिंदू जागरण मंच की ओर से समस्त जनपदवासियों को प्रदेशवासियों को होली की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं।